आखिर कौन सा प्रभेद डेवलप हुआ है जो बाढ़ और सुखाड़ दोनों में टिक जाएंगे? बिहार की त्रासदी, एक और उत्तर बिहार में बाढ़ का मार हमारे किसान झेलते हैं, वहीं दक्षिण बिहार में अन्नदाता किसान भाई बहन जो हैं सुखाड़ का मार झेलते जा करके। इन सारे परिस्थितियों में हमने कृषि वैज्ञानिकों से कहा था कि आपको ऐसा प्रभेद डेवलप करो ताकि किसानों को राहत मिले जा करके। तो उसी हिसाब से बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर जो भागलपुर जा करके है, और इरी के सहयोग से अधिक पानी की स्थिति में और अच्छी उपज प्राप्त करने वाली प्रभेद सबौर संपन्न विकसित किया गया है। वहीं हमारे दूसरे वैज्ञानिक इसी प्रकार कम पानी की स्थिति में अच्छी उपज प्राप्त करने हेतु सबौर हर्षित विकसित किया गया जा करके। हम कृषि विश्वविद्यालय सबौर जो हमारा विश्वविद्यालय है, हम कृषि वैज्ञानिकों को बधाई देना चाहते हैं कि हमारे वैज्ञानिकों ने जो आज जिस तरह से बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर एवं अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ईरी के सहयोग से अधिक पानी में सबौर संपन्न, कम पानी में सबौर हर्षित धान को विकसित जो करने का काम किया है, हम कृषि वैज्ञानिकों को बधाई देते हैं। एक बहुत छोटा सवाल है कि अब मान के चला जाए कि बाढ़ और सुखाड़ की हालत में कुछ समय तक तो किसान सस्टेन कर सकते हैं इस प्रजाति के, इस प्रभेद के माध्यम से? निश्चित तौर पर बाढ़ के हालात में, सुखाड़ की स्थिति में हमने बताया है, अधिक पानी की स्थिति में सबौर संपन्न, कम पानी में सबौर हर्षित जो हमारा प्रभेद है वो काफ़ी मतलब जाकर के किसानों के लिए राहत पहुँचाएगा। बाढ़ में सुखाड़ के परिस्थितियों में हमारे किसान निराश नहीं होंगे, बल्कि हम हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने एक बेहतर रास्ता जो ईजाद किया है। मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन विजय के साथ स्वप्निल जी मीडिया।